जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम नाउन के कॉमन एरर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन जितने भी जनरल कॉम्पिटेटिव के एग्जाम्स हैं जिनमें ये इंग्लिश के पेपर आते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हमने 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, शायद हमने हर कॉन्सेप्ट को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो उसी कॉन्सेप्ट पे रिपीटेड क्वेश्चन होगा। तो आपका प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा होगा इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो सब समझ में आ रहा होगा, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि वी सॉ सेवरल काइंड्स, याद रखिए। देखिए एरर मिल गया, क्या होता है वी सॉ, ये सेवरल वर्ड जो है सेवरल, इसके बाद जो नाउन आता है वह किस फॉर्म में आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये सेवरल के बाद, ये सेवरल जो देख रहे हैं इसके बाद क्या आएगा, काइंड आएगा, काइंड्स हो जाएगा, क्या जाएगा, सेवरल काइंड्स ऑफ बर्ड्स एट द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व, यानी वाइल्ड लाइफ जानते हैं, यानी जो वन्य जीव के संरक्षण के लिए जो जगह होता है वहां पर वी सो हम देख सकते हैं सेवरल काइंड ऑफ बर्ड्स, यानी विभिन्न प्रकार के क्या देख सकते हैं, पक्षी को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेवरल क्या होगा, सेवरल काइंड्स होगा, काइंड की जगह हमें क्या यूज करना है, काइंड्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या है कि द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ वंडरफुल फेनोमेना। देखिए आप जानते हैं कि हम इससे पहले वीडियो में भी इस चीजों को हमने देखा था कि फेनोमेनन जो होता है वह क्या होता है, सिंगुलर होता है, और फेनोमेना क्या होता है, फेनोमेना जो होता है वह क्या होता है, प्लूरल होता है, और फेनोमेनन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी दूध का दही में बदलना, यानी यह एक क्या है कि यह एक प्रकार का क्या है, घटनाएं हैं। तो एक घटना है तो इसके लिए वंडरफुल फेनोमेना, जो फेनोमेना क्या है, प्लूरल है, और यहां पर हम किसी एक घटना की बात कर रहे हैं कि द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी दूध का दही में बदलना। तो यानी यहाँ पर हम फेनोमेना का यूज नहीं करके हम किसका यूज करेंगे, फेनोमेनन का यूज करेंगे, यानी सिंगुलर का यूज करेंगे, यानी यहाँ पर फेनोमेना नहीं, इसी का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, फेनोमेनन, क्या हो जाएगा, फेनोमेनन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 72 के किस पार्ट में एरर था, डी पार्ट में एरर था, ठीक है, याद रखिएगा किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर था। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए चलते हम क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या है कि देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स होगा, क्या होगा, देखिए मेनी के बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है, प्लूरल आता है, क्या आता है, प्लूरल आता है, मेनी के बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है, याद रखिएगा प्लूरल आता है। तो क्या होगा, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच नीड सीरियस कंसिडरेशन, कहता है इस सेंटेंस का मतलब हम समझते हैं क्या है कि देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, यानी बहुत सारी ऐसी समस्या है व्हिच, जिसको नीड सीरियस कंसिडरेशन, मतलब जिसे हमें क्या करना है, गंभीरता से उसको क्या करना है, उस पर विचार करना है। सीरियस मतलब क्या होता है, गंभीरता, और कंसिडरेशन मतलब उस पर क्या करना, विचार करना, ध्यान देना। तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, याद रखिएगा मेनी के बाद क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, और काउंटेबल नाउन है, देखिए मेनी काउंटेबल नाउन से पहले ही आता है और ये प्लूरल होता है, तो प्रॉब्लम की जगह क्या होगा, प्रॉब्लम्स, यानी 73 के किस पार्ट में एरर मिल गया मुझे, बी पार्ट में एरर मिल गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या है, फादर इन लॉज, क्या है, फादर इन लॉज। तो याद रखिएगा जब भी कोई कंपाउंड नाउन प्रीपोजिशन से बना हो, ये कंपाउंड नाउन है, इसको कौन सा नाउन हम बोलते हैं, कंपाउंड नाउन, जब भी कोई कंपाउंड नाउन किसी प्रीपोजिशन से बना हो तो जो एस लगता है वह प्रीपोजिशन से पहले वाले पार्ट में लगता है, यानी फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है, तो फादर इन लॉ का प्लूरल होता है फादर्स इन लॉ, क्या होता है, फादर्स इन लॉ। और यहां आप देख रहे हैं कि लॉ के साथ एस लगा हुआ है जो कि एरर है, यहां होना चाहिए था फादर्स, यानी 72 के किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। तो आंसर तो हमें मिल गया कि ए पार्ट में एरर है।
अब हम आगे बात करते हैं सेंटेंस क्या। सेंटेंस कहता है कि फादर्स इन लॉ आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है क्या, जिम्मेदार फॉर डॉरी डेथ्स, यानी दहेज से जो मृत्यु हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, फादर्स इन लॉ मतलब जो ससुर लोग होते हैं तो वही लोग क्या है, जिम्मेदार है, जितने सारे ससुर लोग हैं इस दुनिया में वही क्या है, जिम्मेदार है डॉरी डेथ्स। डॉरी मतलब क्या होता है, दहेज, यानी किससे डेथ होना, दहेज से डेथ होना, ठीक है याद रखिएगा, दहेज से डेथ होना, दहेज से डेथ होने के लिए कौन जिम्मेदार है, यानी दहेज से जो मृत्यु होता है उसके लिए जिम्मेदार है फादर इन लॉ, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75 देखिए यह मिल गया, दो एरर हमें मिल गया, दो सिक्स नहीं होगा, दो सिक्स जैसे कि दो सिख होगा, यानी दो सिख आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल। याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन से पहले, प्रीपोजिशन से पहले अगर क्या रहे, दो रहे, तो ये प्लूरल नाउन का काम कर जाता है, यानी प्लूरल नाउन का क्या होता है, काम करता है, यानी ये प्लूरल होता है। जैसे कि देखिए आप, जैसे कि हमने लिखा दो पुअर, इसका मतलब क्या हुआ, गरीब लोग। अगर मैंने लिखा दो रिच, इसका मतलब क्या होता है, अमीर लोग, ठीक है। अगर हमने लिखा दो ब्लाइंड, इसका मतलब क्या हुआ, अंधे लोग। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दो सिक्स है, ये एरर है, दो पुअर होता है, दो रिच होता है, द ब्लाइंड होता है, तो उस तरीके से क्या होगा, दो सिक्स का मतलब हुआ कि बीमार लोग आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल, यानी अस्पताल में, हॉस्पिटल क्या होता है, अस्पताल में, लुक्ड आफ्टर मतलब क्या होता है, देखभाल करना। तो हॉस्पिटल में जो बीमार लोग हैं उनकी प्रॉपर तरीके से, यानी अच्छे तरीके से देखभाल नहीं की जाती है, ठीक है, नहीं की जाती है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए आइए समझते हैं क्या है। आई हियर सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक, तो क्या होगा, आई है, देखिए सम जो है, सम के बाद अगर कोई नाउन काउंटेबल आता है तो वो प्लूरल होता है, तो सॉन्ग की जगह क्या होगा, सॉन्ग्स होगा, क्या होगा, सॉन्ग्स, यानी क्या होगा, आई हियर सम ओल्ड सॉन्ग्स दैट आई लाइक, यानी आई हियर मैं सुनता हूँ सम ओल्ड सॉन्ग्स, यानी कुछ पुराने गाने, दैट आई लाइक जिसे मैं क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, ठीक है। यानी 76 के किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है, यानी सॉन्ग की जगह क्या होना था, सॉन्ग्स, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन वर प्रेजेंट देयर। देखिए जब भी आए तो मोर देन वन पर्सन, और वहां जो वर है वो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, यानी मोर देन वन के बाद, मोर देन वन के बाद जो नाउन आता है वो भी सिंगुलर आता है, और वहां पर जो वर्ब आता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। यानी वर के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर वाज हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल है कि मोर देन, याद कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन के बाद जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, और वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, तो वाज आएगा यहाँ पर। यानी एरर हमें मिल गया, एरर किस पार्ट में एरर है, 77 के किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, वर्ब की जगह क्या होना है, वाज होना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मोहन एंड सोहन आर टू 10-year-old बॉयज, क्या होगा, बॉयज होगा, क्यों, क्योंकि देखिए मोहन एंड सोहन दो लड़के हैं, और दो लड़के के लिए यहाँ पर क्या होगा, बॉयज होगा। तो यानी 78 के किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है, बॉय की जगह क्या होना है, बॉयज, क्योंकि दो लड़के हैं मोहन एंड सोहन। तो पढ़ते हैं, मोहन एंड सोहन आर टू 10-year-old बॉयज, यानी मोहन और सोहन दो 10 साल का क्या है, दो 10 साल के लड़के हैं, ठीक है, ये दोनों 10 साल के हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 79 चलते, 79 देखिए क्या है कि हिंदी एंड इंग्लिश आर द मीडियम ग्लब, ये दो भाषा की बात हो रहा है, और मीडियम का प्लूरल क्या होता है, मीडिया होता है, याद रखिएगा हिंदी एंड इंग्लिश आर द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, निर्देश, याद रखिएगा इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, निर्देश, इन मोस्ट ऑफ आवर स्कूल्स, यानी हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो विद्यालय हैं, हमारे स्कूल्स में क्या है, हिंदी और इंग्लिश आर द मीडियम, सॉरी मीडिया, दो भाषा की हम बात कर रहे हैं, हिंदी की भी और इंग्लिश भी, तो हिंदी और इंग्लिश दो माध्यम है हमारे यहाँ के स्कूलों में, क्या देने के लिए, निर्देश देने के लिए,
निर्देश देते हैं, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश आर द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन इन आवर स्कूल्स, यानी हमारे स्कूलों में निर्देश देने के लिए हिंदी और इंग्लिश दो भाषा है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हम आज के एक सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 80, देखिए क्या है। याद रखिएगा, द नंबर ऑफ एक निश्चित किसी निश्चित चीज को शो करता है, यानी किसी निश्चित वस्तु को या कोई चीज हो जिसको काउंटेबल है तो उसे किसी निश्चित संख्या को बताता है, और निश्चित संख्या को बताने के लिए द नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स, यानी द नंबर ऑफ के बाद तो नाउन जो आता है वो प्लुरल आता है, जो कि बिल्कुल सही है यहाँ पर, अप्लीकेंट्स फॉर वेरियस जॉब्स, लेकिन वर्ब जो आता है वो क्या आता है, सिंगुलर आता है। याद रखिएगा, द नंबर ऑफ किसी निश्चित संख्या को बताता है और इसके लिए हम वर्ब क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंगुलर। याद रखिएगा, क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, द नंबर ऑफ के बाद, द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो क्या आता है, प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब जो आता है वह क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि यह किसी निश्चित संख्या को बताता है। तो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर वेरियस जॉब्स आर करके क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग रैपिडली, रैपिडली मतलब होता है तेजी से, इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो नंबर एप्लीकेंट्स यानी एप्लीकेंट्स, हम जानते हैं कि जो लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर फॉर्म भरते हैं, जो आवेदक होते हैं, जो आवेदन देते हैं, तो क्या है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर वेरियस जॉब्स, यानी विभिन्न प्रकार के जो जॉब्स हैं उनके लिए जो आवेदकों की संख्या है, इज इंक्रीजिंग रैपिडली, वो क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। यानी आवेदकों की जो संख्या है वेरियस जॉब्स के लिए, अलग अलग जॉब्स के लिए, वो क्या हो रही है, बहुत तेजी से, रैपिडली यानी तेजी से इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको आज का सेशन समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। हम आपके लिए रोज 10-10 क्वेश्चंस इसी तरीके से वीडियो बाय वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।